मैं समृद्धि निशन और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त अभी बिहिया प्रखंड अंतर्गत चकवत पंचायत में है और यहाँ हमारे साथ जुबेर खान जी जो कि मुखिया प्रतिनिधि है और जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपना फिर से नॉमिनेशन किया है और लगातार अपने पंचायत में विकास के कार्यों से जाने जाते हैं। विकास पुरुष तो हैं ही, सबसे बड़ी इनकी यदि बात की जाए जो खैसियत है तो इनके अंदर जो ईमानदारी है वो कुट कुट के भरी है। हालांकि हमने तो कई बार इनको टेस्ट करने की भी कोशिश किया है लेकिन हमेशा ये धरातल पर उतरे हैं। विकास की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं और निश्चित तौर से विकास पुरुष यदि सही में कोई है तो अपने पंचायत के लिए है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ चूँकि लगातार काफ़ी दिनों से एक संबंध है और जो मैं देख रहा हूँ धरातल से इनकी सच्चाई को, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इन्होंने अपने पंचायत के लिए एक मुखिया से हटके भी यदि एक सामाजिक व्यक्ति को कुछ करना चाहिए तो इन्होंने किया है। हालांकि चुनाव है और चुनाव की इस जो अभी कहा जा सकता है तो हर कोई को अधिकार होता है, हर कोई चुनाव लड़ता है, बहुत सारे इनके कंपटीशन में भी लोग खड़े हैं इनको हराने के लिए, लेकिन आम वाम जनता तो सब जानती है ये जनता ये भोली भाली जनता नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि ये भोली भाली जनता है, चुनाव के समय हम बरगला लेंगे, तो 5 वर्षों से जिन्होंने जनता के साथ अपना समय बिताया है फिर उसका क्या होगा? तो ये जनता भोली भाली नहीं है, जनता सब कुछ जानती है, इसलिए जनता को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। तो तमाम लोगों के साथ मिलते जुलते ज़बरदस्त तरीके से आचार संहिता का फॉलो करते हुए इन्होंने जो नॉमिनेशन किया 4 तारीख को वाकई तारीफ़ के काबिल था। अभी हमारे बीच है, आइए जानते हैं आगामी इनके एजेंडा क्या है और यदि अब की बार ये जीतते हैं तो क्या क्या करेंगे। स्वागत है, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके समृद्धि न्यूज़ चैनल को सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि और मेरी उम्मीद भी है अपने पंचायत की जनता से कि वो हमें एक बार फिर मौका देगी। क्या क्या लगता है कि कौन कौन से कार्य जो अवरुद्ध है जो कि आप चाह रहे थे कि ये भी हो जाता है लेकिन किसी कारणवश अभी नहीं हो पाया है, अब की बार फिर से आप जीतते हैं तो करेंगे, क्या कहना चाहिए? बहुत से दिली ख्वाहिश थी कि कुछ काम था जो छूटा हुआ था उसको हम करें, लेकिन उसमें बाधा आ गई। बाधा ये आ गई कि सरकार का निर्देश आ गया कि आप पैसा 7 निश्चय के अंतर्गत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में दीजिए, जिसके चलते हम लोगों का हाथ बंद गया और हमको पंचायत के राशि से हमको वार्ड के खाते में पैसा देना पड़ा, जिसमें हम जो चाह रहे थे जो ज़रूरी भी काम था वो नहीं हो पाया। अब वार्ड की वहाँ पर मर्जी चलने लगी तो इससे मर्जी क्या चली, मतलब वार्ड सभा से जो भी वो लोग जो योजना चयनित किया, हाँ जो वार्ड क्रियान्वयन समिति अपना निर्णय लिया वो किया। अब रहा बात कि जो हमको पंचायत के राशि थी भिन्न भिन्न योजनाओं का, उससे हम यथासंभव जितना हो सका हमने कार्य किया और अब आगे जो बचा हुआ कार्य है उसको हम अपने दिल में ठाने हुए हैं और पंचायत में जिन लोगों से हम वादा किए हैं कि भाई अभी तो हम नहीं करा पाए लेकिन अगले ये चुनाव के बाद हम उस योजनाओं को अवश्य पूरा करने की कोशिश करूँगा। यानी कि कुछ अधूरे काम जो हैं प्रयास करने के बाद भी वो नहीं हो पाया था, चूँकि बहुत सारी सरकार की नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको फॉलो करना इनकी जिम्मेवारी है और नियम कानून से बंधे होने पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं किया जा सकता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि यदि आम आम जनता से फिर से मुझे आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर से जो भी अधूरे कार्य बचे हैं जिनको हमने लोगों से आश्वासन दिया था, वादा किया था, उसको पूरी तरह से पूरा करेंगे। हालांकि पूरा करने का इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे काम को किए भी हैं और ये तो देखने वाली चीज़ है कि इन्होंने क्या क्या किया है। सच्चाई झलकती है और जनता सच्चाई से वाकिफ है, सब कुछ देख रही है। जानना चाहेंगे चूँकि आप एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पर इस पंचायत को मिले हैं, अभी तो खैर आचार संहिता भी लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आपके कंपटीशन में खड़े हैं, क्या लगता है बहुत सारे लोग कंपटीशन में हैं, किस तरह का लग रहा है, जनता कितना परसेंट आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जनता के दिलों में हम हैं और लोग कह रहे हैं, पंचायत की जनता कह रही है कि हमसे ही कोई भी प्रत्याशी का लड़ाई है, हमसे ही लोग लड़ रहे हैं और हमको लग रहा है, अपना विश्वास है कि पंचायत की जनता का भरपूर समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है
आप देखिए कितना हम कामयाब होते हैं। निश्चित तौर से आप कामयाब होंगे और पंचायत की जनता, भगवान रूपी जनता निश्चित तौर से आपको देख रही है। और यदि आप कहीं ना कहीं इस पंचायत के लिए अपने आप को न्यौछावर किए हैं तो तमाम लोग आपको देख रहे हैं। निश्चित तौर से फिर से आपके यहाँ एक ज़बरदस्त जिम्मेवारी आपके सिर पर फिर से आने वाली है। इतना जल्दी ये आम जनता आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है और आपको आसानी से नहीं छोड़ देगी। फिर से एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी देगी और जितने भी आपने वादा किया है आपसे करा के रहेगी। आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं जुबैर खान जी, जो कि निहायत ही ईमानदार कर्मठ व्यक्ति है और ज़बरदस्त तरीके से अपने पंचायत के एक एक लोगों से मिलने का काम करते हैं। हालांकि चुनाव के समय हर कोई यही कहता है कि लड़ाई हमारी ही है, मतलब हमसे ही है, तो कहने का काम है, लेकिन आम जनता को पता है कि लड़ाई किससे और किसको है। कि कोई ऐसा भी है जो जनता के लिए निर्विरोध है ये तो जनता बताएगी। और जनता ज़बरदस्त तरीके से जो भी आम लोग हैं, जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं या जो भी यहाँ इस पंचायत की जनता है, ये देख रही है और समझ रही है कि मेरे लिए उचित क्या होगा। चूँकि ऐसा नहीं हो कि किसी को देखने परखने में जो अच्छा चीज़ है वो भी हाथ से चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ।